अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलर। तो फ्रेंड्स, हम शॉपिंग पर जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में होता है, और मार्केट पर भी हम सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन हाथ में होता है। तो हम अगरचे बुरखे में एक साइड पॉकेट स्टिच कर लेंगे, जो रेडीमेड बुरखे में अमूमन नहीं होता है, तो मोबाइल फ़ोन पैसे वगैरह रखने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इस साइड हमने स्टिच करना है, यानी बुरखे में जेब हम राइट साइड स्टिच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कितनी लेंथ की दूरी पर हम जेब स्टिच करेंगे। तो यूजुअली 14 इंचेस हमारी वेस्ट लेंथ होती है, तो उसमें 3 इंचेस ऐड करके यहाँ पर हम मार्क करेंगे। 1 2 3 है, 3 इंचेस यहाँ पर हमने मार्क करनी है। 14 इंचेस वेस्ट लेंथ में 3 इंचेस ऐड करना है, और ये 5 इंचेस पॉकेट ओपनिंग के लिए, और 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 5 इंचेस प्लस 1 इंच 6 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम पॉकेट ओपनिंग के लिए। तो अभी यहाँ पर हमने बुरखे के उल्टी साइड से इसके स्टिचेस यहाँ से निकाल देने हैं। जितना हमने मार्क किया है उतना इसकी स्टिचेस निकाल देनी है। तो यहाँ तक अभी हमने इसकी स्टिचेस निकाल देंगे। इस तरह से अभी इसको साइड में रख देंगे हम। और यहाँ पर ये कुर्ती इसने स्टिच करके बचा हुआ मैंने यहाँ पर कपड़ा यूज़ किया है। आप कोई भी ब्लैक कलर में बचा हुआ कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जेब की स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट की लेंथ के लिए 10 इंचेस रखा है। आपको और ज़्यादा बड़ा जेब चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा और ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर 10 प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा मैंने रखा है, 12 इंचेस मैंने यहाँ पर रखा है पॉकेट लेंथ, और विड्थ मैंने यहाँ पर रखी है 6 इंचेस। तो 6 इंचेस विड्थ काफ़ी होता है साइड पॉकेट में, बुरखे में साइड पॉकेट के लिए। फिर इस तरह से मार्किंग कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इसकी बराबर से कटिंग करने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा शेप देने के लिए यहाँ पर 3 इंचेस मार्क करेंगे लेंथ में, और विड्थ में 2 इंचेस पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इस साइड हमने 5 इंचेस पर मार्क करना है, ये पॉकेट ओपनिंग की 5 इंचेस की मार्किंग है। अभी कटिंग कर दें इसकी। तो ये देखिए कटिंग कर दिया है। तो अभी हम मशीन पर चलते हैं इसकी स्टिचिंग सीखने के लिए। यहाँ पर हमने इसकी सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगानी है। चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। सिलाई हमने यहाँ पर इसकी इस तरह से लगाएंगे कि पहले इसको ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे, और यहाँ पर ये वाली और ये वाली एडजस्ट मिलाकर स्टिच करेंगे। तो पहले अब हम यहाँ पर इसकी स्टिच करेंगे इस साइड से। तो इस तरह से स्टिच करने से ये हमारा पॉकेट बन जाएगा। और अभी हमने यहाँ से स्टिच करनी है, जो कि ओपनिंग वाली साइड है वो छोड़कर बची हुई नीचे की साइड से हमने इसकी भी सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है यहाँ तक।
तो इस तरह से जेब बन जाएगी। तो फिर अभी हमने इसके बुरखा में अटैचिंग करनी होती है। सीधा कर देंगे इसको। तो यहाँ पर बुरखे को लेकर हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ डाल देना है, और यहाँ से हमने जेब को और ये बुरखे को दोनों को इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ पर एक पिन लगा देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। इसके लिए तो इस तरह से पिन लगा देंगे और यहाँ पर बुरखे की इस सीधी वाली साइड को और जेब के अंदर वाली साइड को इस तरह से रखकर यहाँ से ऐसे उलट देंगे इसको हमने, और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे तो इस तरह से अंदर चला जाएगा ये हमारे कपड़े का कोर। तो ये देखें इस तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगा। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड अंदर की साइड चले जाएगा कोर। फिर उसके बाद इस तरफ भी हमने इसी तरह से यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ से इस तरह से दोनों की एक के अपोजिट एक वाली साइड को ऐसे अंदर करके यहाँ से स्टिच लगाएंगे। मैं बगैर स्किप किए आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये कौन सी जेब वाली साइड को बुरखे से अटैच करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है स्टिचिंग हमारी, बस इतना ही है इसका काम। तो अभी हम अंदर से जो साइड ओपनिंग से उसको लॉक कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी सिलाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से जेब की ओपनिंग और जेब स्टिच होके कंप्लीट हो चुकी है। ये अंदर की साइड इस तरह से आएगा पॉकेट हमारा, और इसकी हमने अभी स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जहाँ से हमने स्टिचेस निकाले थे उसके थोड़ा सा ऊपर से हम यहाँ पर स्टिचेस लगाएंगे। यहाँ से स्टिच करते हुए ये पूरा हमने इसका ये सारा स्टिच करना है। ऊपर से एक मार्जिन सिलाई स्टिच करनी होती है। तो यहाँ से स्टिचेस स्टार्ट करते हुए ये देखिए ये जो जॉइंट है वो बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट जॉइन होना चाहिए ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर हमने इस वाले कपड़े को बारीक सा फोल्ड कर देंगे ताकि राइडर्स अंदर की तरफ चले जाएं, और अभी स्टिचिंग इसी तरह से हमने कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पर जेब की ओपनिंग की थोड़ा से ऊपर तक हमने स्टिच का लगा कर इसको लॉक कर देंगे तो ये पूरी तरह से इस तरह से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई भी साइड ओपनिंग नहीं बची है, यह है फाइनल लुक इसकी। इस तरह से आप
आराम से जेब रेडीमेड बुरखे में जेब स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यूज़फुल लगी या वीडियो मेरी बेकार थी ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, सिर्फ मंथली 29 रुपीज़ का लगता है, तो आपको स्पेशल पर्क्स मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।